ये स्टार्ट कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री में एक और नया लेक्चर, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विलयन। पहले के लेक्चर्स तक हम जो कवर कर चुके हैं वो हम कवर कर चुके हैं विलयन, विलयन के प्रकार, साथ में एक महत्वपूर्ण नियम हेनरी नियम हम पढ़ चुके हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां और उन पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। तो सीरियल और सिस्टमेटिक से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, अणुसंख्या गुणधर्म, क्योंकि वो चार प्रकार के हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो अणुसंख्या गुणधर्म और उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। लेकिन उसमें अणुसंख्या गुणधर्म तक पहुंचने से पहले विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनको हम बोलते हैं, उस तक पहुंचने से पहले कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जिनकी जरूरत हमें उन प्रॉपर्टीज में, उन गुणों में पढ़ने वाली है। तो पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, और हो सकता है कि आपने छोटी क्लासों में सुने भी हों ये टॉपिक्स 11th वगैरह में। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के एक छोटे से टॉपिक, वियोजन विघटन, जिसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए वियोजन और विघटन ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तब हम इसको एक एक लाइन करके पढ़ लेंगे। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, वियोजन विघटन मीन्स टूटना, डिसोसिएशन मीन्स टूटना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ पदार्थ को हम वैद्युत अभट्य पदार्थ बोलते हैं, ये भी टॉपिक अभी आएगा, वैसे बता दूं वैद्युत अभट्य पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयनों में टूट जाते हों, उनको हम वैद्युत अभट्य पदार्थ कहते हैं। माने आपने उसको जल में डाला और विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया, ऐसा समझ लीजिए इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो वो आयनों में टूट जाए। तो इसलिए कहते हैं कि वैद्युत अभट्य पदार्थ मुख्यतः आयनिक पदार्थ होते हैं, माने जो आयनिक होते हैं, आयन से जो बने होते हैं, और इन आयनिक पदार्थों को ही हम मुख्य रूप से वैद्युत अभट्य पदार्थ बोलते हैं। इन आयनिक पदार्थों में जो आयन होते हैं वो आयन प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये हमने 11th केमिस्ट्री में रासायनिक आवंधन में पढ़ा भी था, आयनिक यौगिक जब आए थे। तो आप देखेंगे कि जो आयनिक पदार्थ हैं उनमें आयन होते हैं, और उनके जो आयन हैं वो विपरीत आवेश वाले होते हैं, माने प्लस होता है माइनस होता है। तो उनके मध्य जो वैद्युत आकर्षण बल होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। माने वैद्युत अभट्य पदार्थ मुख्यतः आयनिक पदार्थ है, और आयनिक पदार्थों में विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, माने प्लस माइनस होते हैं, और उनके मध्य जो वैद्युत आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जब आप ऐसे आयनिक पदार्थों को जल में घोल देते हैं, तब जल में घोलने से उन आयनों के मध्य जो वो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल था, जो बहुत मजबूत आकर्षण बल था, वो कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर इतना पड़ जाता है कि वो आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, माने धनावेश अलग हो जाता है, ऋणावेश अलग हो जाता है जल में या अन्य किसी विलायक में। तो जब वो आयन अलग अलग हो गए, धनावेश अलग हो गया, ऋणावेश अलग हो गया, क्योंकि जो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल था वो वीक पड़ गया, कमजोर पड़ गया। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, माने आयन जो पहले मजबूती से बंधे थे उनके अलग अलग होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन विघटन, या आयनन भी बोलते हैं, आयनों में टूटने की प्रक्रिया, आयनन, आयनों का अलग अलग हो जाना। वैद्युत पदार्थ में, आयनिक पदार्थ में जो आयन पूरी तरह से बंधे थे उनका अलग अलग हो जाना आयनन, वियोजन या विघटन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl एक अच्छा एग्जाम्पल है भाई। NaCl मींस सॉल्ट, जिसे आप नमक भी बोल देते हैं, साधारण नमक का सूत्र है। तो इसमें Na और Cl, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, चूंकि विपरीत आवेश वाले आयन है, लेकिन ये दृढ़ता से बंधे हैं, मजबूती से वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में तो ये आयनिक पदार्थ है, वैद्युत अभट्य पदार्थ है। लेकिन जब आप इसको जल में घोल देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं एक्वस, तब एक्चुअल में होता क्या है, ये Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त हो जाता है, NaCl, माने धनावेश और ऋणावेश में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आयनों में अलग होने की जो प्रक्रिया है, इस आयनिक पदार्थ का आयनों में अलग अलग होने की जो प्रक्रिया है, यही कहलाती है वियोजन विघटन या आयनन। यही मैंने आपके लिए थ्योरी में लिखा, देखिए लिखा मुख्यतः वैद्युत अभट्य पदार्थ, जो वैद्युत अभट्य पदार्थ होते हैं वो आयनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आयनिक यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें भी जो आयनिक पदार्थ है वही वैद्युत अभट्य पदार्थ होते हैं। इनमें विपरीत आवेश वाले आयन, ये देखिए विपरीत आवेश वाले आयन वैद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, Na प्लस और Cl माइनस प्रबल आकर्षण बल से बंधे हैं। जब इन पदार्थों को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है, तब उनके मध्य जो आकर्षण बल था, जो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो बंधे थे, वो वैद्युत आकर्षण बल जो है वो कमजोर पड़ने लगता है, और इतना कमजोर हो जाता है वे इनके आयन परस्पर अलग 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 हो जाते हैं, तब यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है, या आयनन कहलाती है, या वियोजन कहलाती है। तो
इसे हम कहते हैं आयनन या वियोजन। देखिए ये इसलिए समझाए जा रहे हैं टॉपिक आपको कि जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसमें तो ये वर्ड बड़े यूज होंगे कि विघटन हो जाता है या वियोजन हो जाता है या आयनन हो जाता है ऐसे करके। ठीक, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए जिससे कि आने वाले टॉपिक्स हमारे लिए इजी हो जाए। ऐसे कुछ और टॉपिक्स हमें अभी पढ़ने हैं आगे। तो देखिए वियोजन माने डिसोसिएशन की प्रोसेस पढ़ने के बाद एक और नई प्रक्रिया है उसी के जैसा लेकिन उससे अपोजिट, जिसको हम संगुणन के नाम से जानते हैं। इसको आप बोलते हैं एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं। एसोसिएशन मीन्स कोई निर्माण, संघ, संगठन, ठीक है ना। तो जुड़ेंगी चीजें यहाँ पर। तो देखिए कुछ विलय पदार्थ ऐसे होते हैं उनके जो अणु हैं वो विलयन में जुड़ने लगते हैं, आपस में जुड़कर बड़ा अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम संगुणन बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। माने विलय पदार्थ के छोटे छोटे अणु मिलकर कोई बड़ा अणु बना लें तब उसको बोलेंगे संगुणन। जब कोई टूट रहा था आयनों में तब उसे बोल रहे थे वियोजन। जब जुड़ने लगेंगी चीजें और कोई बड़ी चीज बनेगी तो उसे संगुणन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए C6H5C है, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला एक्चुअल में। इसके दो अणु मिल गए आपस में और उन्होंने एक बड़ा अणु बनाया। ये ट्वाइस नीचे आने का मतलब है कोई एक है लेकिन बड़ा अणु है क्योंकि इसमें देखिए एक ही मॉलिक्यूल था उसमें दो है। तो इसको चूंकि दो आपस में मिलकर बना रहे हैं तो इसलिए इसको डाइमर बोलते हैं। ये डाइमर भी है इसका। अगर तीन अणु आपस में मिलकर कोई बड़ा अणु बनाएंगे मैंने अंगुल था ही रहता तो उसे ट्राइमर बोलते हैं। यही मैंने सब आपके लिए लिखा है, एक बार देख लेते हैं। कुछ विलय पदार्थों के अणु विलयन में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संगुणन कहलाती है, एसोसिएशन कहलाती है। माने छोटी छोटी चीजों का मिलकर कोई बड़ी चीज बन जाना, कोई एक बड़ी चीज बन जाना, उसे हम संगुणन बोलते हैं। जैसे यदि विलय पदार्थ के दो अणु परस्पर मिलकर बड़ा अणु बनाए तब इसे हम डाइमर कहेंगे, इंग्लिश का वर्ड एक्चुअल में डाइमर, द्वितीयाणु इसे हिंदी में कहेंगे। इसी प्रकार तीन अणु अगर आपस में मिले और बड़ा अणु बनाए तब उसको ट्राइमर बोलते हैं, तृतीयाणु, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संगुणन कहलाएगी। छोटे छोटे अणुओं का मिलकर कोई बड़ा अणु बनाना संगुणन माने एसोसिएशन कहलाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं आपको मैंने बताई अभी, वियोजन जिसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं, संगुणन जिसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया का जिक्र हमारे चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स में होना है तो इसलिए इनका पता होना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया भी, लिखाया भी और समझाया भी। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर ऐसे कुछ और छोटे टॉपिक्स अभी हमें पढ़ना है। देखिए अभी बार बार आ रहा था वैद्युत घट्य पदार्थ, तो हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं कि वैद्युत घट्य पदार्थ होता क्या है, वो तो मैंने बता भी दिया था आपको। वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य का मतलब है अपघट्य माने टूट जाने वाला, वैद्युत माने जो आयन होते हैं, माने ऐसे पदार्थ जिनमें आयन होते हैं अर्थात जो आयनिक पदार्थ होते हैं, तो उनके जो आयन है वो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो वैद्युत आकर्षण बल ही होता है। तो वैद्युत आकर्षण बल से जो आयन है, जो धनायन है, ऋणायन है, माने विपरीत आवेश वाले आयन है, हम ये कहेंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं, प्लस माइनस, तो जो विपरीत आवेश वाले आयन है वो वैद्युत आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से बंधे रहते हैं, उन्हें हम आयनिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन जब उन्हें जल में घोल दिया जाए तब वो अपने उन विपरीत आवेश वाले आयनों में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मान उनका धनायन और ऋणायन अलग हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ या आयनिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्य पदार्थ में मुख्यतः कौन हो गए, आयनिक पदार्थ। हालांकि इसका एग्जाम्पल ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ भी हो सकते हैं जिनमें आयनिक जो नेचर होता है वो थोड़ा कम होता है। तो मैं देखिए थ्योरी में देखते हैं, ये पहले ऐसे समझ लेते हैं। जैसे NaCl का एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा भी था जब मैं आपको वियोजन बता रहा था, तो NaCl को जब आपने जल में घोला, एक्वस सॉल्यूशन इसका लिया, जलीय विलयन लिया, तो ये आयनिक पदार्थ है क्योंकि इसमें Na+ होता है, Cl- होता है। चूंकि ये बहुत दृढ़ता से बंधे हैं वैद्युत आकर्षण बल से इसलिए ये इस समय आयनों में नहीं टूटे हैं, लेकिन जब इसे जल में घोल लेते हैं तब ये Na+ माने धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, तब इन पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं और ये प्रकृति तो वियोजन कहलाती थी। अब चूंकि आयनिक पदार्थ तो सारे ऐसे होंगे, जैसे KCl है, उसको अगर आप उसके एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में घोल लेंगे तो वो देखिए K+ और Cl- में टूट जाएगा, तो आयनों में टूट गया है। जबकि अगर आप ये तो हो गए प्योर आयनिक पदार्थ, तो आयनिक पदार्थ उनमें विपरीत आवेश वाले आयन है जो दृढ़ता से बंधे हैं आपस में वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक्वस विलयन माने उसका जलीय विलयन ले रहे हैं तो वो आयनों में विपरीत आवेश वाले आयनों में अलग अलग हो जा रहे हैं, तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं।
इनका एग्जाम्पल ध्रुवीय सहसंयोजी विलेय पदार्थ भी हो सकते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी का एग्जाम्पल है HCl। जब आप इसको एक्वो सोल्यूशन में घोलते हैं तब ये भी अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह करा पाते हैं, क्योंकि इनमें आंशिक रूप से H पर पॉजिटिव और Cl पर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये पूरी तरह तो आयनों में नहीं टूट पाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जरूर इनमें आयनिक लक्षण पाया जाता है। इस वजह से ये भी विद्युत धारा का प्रवाह इनके द्वारा हो सकता है, तो इसलिए ये भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ ही कहलाते हैं, क्योंकि इनमें पूरी के पूरे आयनों में टूट जाते हैं, ये थोड़े कम टूटते हैं। तो इसीलिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, उन दो प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो आप पहले इसको समझ लीजिए क्या लिखा है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिखा वे विलेय पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात ऐसे आयनिक पदार्थ जो अपने जलीय विलयनों में आयनों में विभक्त हो जाएंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आयन तो होते हैं लेकिन उनके आयन विपरीत आवेश वाले आयन प्रबलता से मजबूती से बंधे होते हैं ना, लेकिन जैसे ही जल के संपर्क में आएंगे तो वो टूट जाएंगे, आयनों में अलग अलग हो जाएंगे उनके विपरीत आवेश वाले आयन, तो इसी को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है ये विलय पदार्थ मुख्यतः आयनिक पदार्थ होते हैं, इनके विपरीत आवेश वाले आयन वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। साथ में जो ध्रुवीय सहसंयोजी विलय पदार्थ हैं वो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि आयनिक तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, जबकि जो ध्रुवीय सहसंयोजी होते हैं उनमें कुछ लक्षण आयनिक पदार्थ जैसा होता है, माने वो कुछ मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह कर पाते हैं। इसलिए इसके दो प्रकार हैं, उनके दो प्रकारों को अब हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जो वैद्युत अपघट्य अभी हमने पढ़ा उसके प्रकार, तो दो प्रकार मैंने अभी आपको बताए थे। तो देखिए ये टॉपिक है वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ निम्न के दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो मैं भी बता ही रहा था, देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब है ये मेन रूप से फुल्ली 100% आयनिक पदार्थ ही होंगे, अर्थात वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूरे के पूरे आयनों में टूट जाएं। मान लीजिए आपने 10 ग्राम NaCl लिया, इसका एग्जाम्पल जैसे NaCl, तो 10 ग्राम आपने NaCl लिया, तो 10 के 10 ग्राम जब आपने इसको जल में घोला तो 10 के 10 ग्राम ये आयनों में टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। इस प्रकार से ये सब आयनिक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं, मींस 100% आयनिक पदार्थ हैं, मींस प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, अर्थात वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं, उन्हें हम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ, चूंकि वैद्युत अपघट्य का प्रकार है इसलिए वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाएं, अर्थात आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार के आयनिक पदार्थ हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे आयनों में टूटेंगे, माने जितनी मात्रा आप जलीय विलयन में घोलेंगे पूरी की पूरी मात्रा आयनों में टूट जाएगी, इसलिए इनको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा टाइप है उसकी बात करेंगे, पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। दूसरा जो प्रकार है वो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो देखिए ये पदार्थ, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे होंगे जो अपने जलीय विलयन में अल्प आयनित होते हैं, माने कह सकते हैं कि जितनी मात्रा आप इनकी लेते हैं उससे आधी मात्रा में ही आयनों में टूट पाते हैं, इसलिए इनको हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो CH3COOH, माने पी ब्लॉक के जो तत्व बनाएंगे वो मुख्यतः दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ ही बनाते हैं। एसिटिक अम्ल है, HCN है जैसे, या एक NH4OH हो सकता है, ये सब आपके क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के एग्जांपल है। माने अगर आप ये 10 ग्राम लेंगे तो ये 5 ग्राम से कम ही आयनों में टूट पाएगा, ऐसे ये भी दोनों भी, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अल्प आयनित, अल्प आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात आयनित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के, इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बोलते हैं, अर्थात जो अपनी टोटल मात्रा का जल में घोलने पर आधे से भी कम आयनों में टूटे, उन्हें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयनों में आयनिक हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम कहते हैं वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयनों में पूरे के पूरे 100% आयनों में टूटेंगे, उन्हें हम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अर्थात जो आयनिक पदार्थ है मुख्य रूप से। ऐसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम बोलते हैं वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, आधी से भी कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, उन्हें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है इनमें अधिकांश ध्रुवीय सहसंयोजी पदार्थ एग्जाम्पल इनके होते हैं,
तो इस प्रकार से आपका वैद्युत पदार्थ के प्रकार भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद उसका डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है जिसे हम वैद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम बोलते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्य के उल्टे। तो क्या होंगे ये? ऐसे विलेय पदार्थ जिनको आप जले विलयन में घोलेंगे तब वो आयनों में विभक्त नहीं होंगे, अर्थात थोड़ी सी मात्रा भी, कुछ भी 0% समझिए, आयन आएंगे, मीन्स आयन आएंगे ही नहीं। अर्थात वे विलेय पदार्थ जो अपने जले विलयन में घोले जाने पर आयनित नहीं होते, उनके कोई भी मात्रा आयनों में नहीं टूटेगी, उन्हें हम वैद्युत अनुभट्य पदार्थ कहेंगे। अर्थात ये आयनिक पदार्थ होते ही नहीं होंगे, और ये ध्रुवीय सहसंयोजी भी नहीं होते होंगे, फुल्ली सहसंयोजी, फुल्ली प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वाले कंपाउंड होते हैं। तो देखिए यही लिखा है मैंने, वे विलेय पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनों में विभक्त अर्थात आयनित नहीं होते, ये बिल्कुल भी आयनों में नहीं टूटेंगे, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इस कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं कर पाते, अर्थात इनमें, इनके जलीय विलयन में अगर आप विद्युत धारा को बहाएं तो बह नहीं पाएगी, जबकि वैद्युत अनपघट्य में बह जाएगी क्योंकि वो आयनों में टूट गए और आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आप देखते भी होंगे भाई, जो हमारे सेल होते हैं जैसे इन्वर्टर की बैटरी आपने देखी होगी, तो उसमें जो घोल हम लेते हैं प्लस माइनस, वो आयनों में टूटते हैं, उसी वजह से वो चार्ज होती है और उसी वजह से वो डिस्चार्ज भी होती है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन, उसमें मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा, ये वहां भी यूज होंगी, तो वहां हम लिखने से बच जाएंगे। वैद्युत अनुभट्टी है, प्रबल वैद्युत है, दुर्बल वैद्युत है, ये सब चीजें वहां भी यूज होने वाली है, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा वैद्युत रसायन के नाम से चैप्टर है, तो इसलिए इसको यहां ही ध्यान से समझ लीजिए। तो ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते, उन्हें हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्य पदार्थ के उल्टे हैं ये। जैसे एग्जांपल की बात करें तो चीनी है, तो चीनी देखिए C12H2O11, तो C12H22O11 ये पूरी तरह से सहसंयोजी यौगिक है, C12H2O11 में पूरी तरह से सहसंयोजी बंध बनते हैं, फुल्ली कोवेलेंट कंपाउंड है। यूरिया है NH2CO, ठीक, ग्लूकोज है C6H12O6, सब ये ऑर्गेनिक में फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का पढ़ा ही चुका हूँ, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है ही। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे हैं, या और ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, फ्रक्टोज इसका एग्जांपल हो सकता है, तो ये सारे के सारे सहसंयोजी यौगिक है। अगर ये ध्रुवीय सहसंयोजी होते तो उसे कम से कम दुर्बल वैद्युत में डाल देते, लेकिन पूरी तरह से सहसंयोजी यौगिक है, इसलिए इनको आप जल में घोलेंगे तो घुल तो जाएंगे, विलयन बन जाएगा, लेकिन आयनों में किसी प्रकार के आयन आपको नहीं मिलेंगे, अर्थात कोई आयनों में ये नहीं टूटते, इसलिए इनको हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये छोटे छोटे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर की मेन धारा में चल रहे हैं, जो हमारे चैप्टर के टॉपिक है, अर्थात विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म से पहले दो प्रकार के गुणधर्म हमें विलयनों के पढ़ने हैं, जो कि हमने 11th में पढ़े भी हैं, तो उनकी बात करते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े उसके बाद कुछ और छोटे टॉपिक हैं मेन टॉपिक तक पहुंचने के लिए, जिसमें दो प्रकार के गुण यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक है गहन गुण, जिसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा उस वक्त दिखी वाले चैप्टर में, और एक होता है विस्तीर्ण गुण, जिसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखिए मैंने जो लिखा है इसको आपको पहले समझा देता हूं। किसी भी निकाय के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करते, मान लीजिए पदार्थ 1 किलो हो, 1000 किलो हो, इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसे गुण उस निकाय के गहन गुण कहलाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे ताप है, अब मान लीजिए मैंने कहा कि 1 लीटर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 लीटर जल का क्वथनांक भी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माने जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां मात्रा से कोई मतलब नहीं है, 1 लीटर जल हो चाहे 1000 लीटर जल हो, जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुण है, ये ताप का जो गुण है, जो क्वथनांक है, वो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो जल की मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक ऐसे ही घनत्व है, सांद्रता है, स्यानता है, प्रस्थानांक है, विशिष्ट ऊष्मा, जैसे विशिष्ट ऊष्मा है तो किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो निश्चित ताप पर उतनी होती है, तो फिर होती है उतनी, ठीक है, चाहे वो पदार्थ कितना ही ज्यादा आप ले लें। प्रस्थानांक, प्रस्थानांक के लिए किसी भी द्रव की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रस्थानांक कहते हैं, तो चाहे द्रव की सतह नहर हो, नदी हो, नाला हो, चाहे वो समुद्र हो, तो उसकी एकांक क्षेत्रफल की सतह पर जो बल लगेगा उसे हम प्रस्थानांक बोलेंगे। तो ऐसे करके किसी निकाय के वेगों जो पदार्थ की मात्रा पर
निर्भर नहीं करते, माने पदार्थ चाहे कितना ही हो, कम हो ज्यादा हो, वो गुण उस पर डिपेंड नहीं करते मात्रा पर, तब हम उन्हें कहते हैं गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये एग्जांपल इसमें लिखे हैं। उसके बाद है विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण गुण का मतलब होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोला जाता है, ऐसे किसी भी निकाय माने कोई सिस्टम है, सिस्टम माने आप समझते होंगे जिसका भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उसे हम सिस्टम में निकाय कहते हैं, तो किसी भी निकाय के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करें, माने पदार्थ की मात्रा बढ़े तो उनका मान बदले, तो ऐसे गुणों को हम विस्तीर्ण गुण कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, अब मान लीजिए कोई पदार्थ आपने कम मात्रा में लिया है तो द्रव्यमान कम होता है, ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है। आयतन है, भाई एक लीटर ज्यादा मतलब जितनी जगह मारा दो लीटर ज्यादा जगह मारेगा, तो मात्रा बदलने पर आयतन बदल रहा है। एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक मोल के लिए, चाहे वो दहन है, दहन कराने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त हो उसे दहन एंथैल्पी बोलते थे, तो एक मोल के लिए अगर मान लीजिए 80 जूल है तो दो मोल के लिए दूनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी जैसे जैसे पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, मोलों की संख्या भी यही है। मान लीजिए एक किलोग्राम में जो मोल है वो 5 है तो 2 किलोग्राम में ज्यादा मोल हो जाएंगे। एंट्रोपी भी यही है, मुक्त ऊर्जा भी यही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय में ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं, पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ वो बदलते हैं, ऐसे गुणों को हम विस्तीर्ण गुण कहते हैं, और जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करते उन्हें गहन गुण कहते हैं। ये पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद आने वाला है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म के नाम से जानते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, और उसके बाद ही राउल्ट नियम आएगा। तो इनको मैंने इसलिए बताया कि ये भी विलियम के दो प्रकार के गुण ऐसे हैं, सॉरी विलियम क्या है तो किसी भी निकाय के लिए हैं दोनों गुण, लेकिन इसके बाद हम इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म पर डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए पहुंचते हैं विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने गहन गुण पढ़ा, विस्तीर्ण गुण पढ़ा, ऐसे ही विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म होते हैं। तो किसी भी विलयन में आपको पता है विलय और विलायक होता है, तो किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करें, कणों से मतलब है उनके अणुओं की संख्या या उसमें उपस्थित आयनों की संख्या। तो किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या अर्थात विलय के अणुओं की संख्या अर्थात विलय के आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम उस विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि विलय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते हैं ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टी, इन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से भी इस टॉपिक को जानते हैं। माने जो विलय के रासायनिक नेचर है, चाहे वो आयनिक प्रकृति का है या सहसंयोजी प्रकृति का है या फिर उपसहसंयोजी प्रकृति का, माने विलय पदार्थ आपका आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट टाइप का हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप ये समझिए। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि विलायक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, माने किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर जो गुण निर्भर करेंगे, माने विलय के कण ज्यादा हो गए तो पता लगा गुण चेंज हो गया, विलय के कणों की संख्या कम हो गई तो पता लगा वो गुण जो गुणधर्म है वो बदल गया। तो ऐसे गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं, यही मैंने थ्योरी में लिखा है। लेकिन लिखा है किसी विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर, और विलय पदार्थ की कणों की संख्या से मतलब है उनके अणुओं की संख्या अथवा उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। माने विलयन के ऐसे गुण जो विलय पर डिपेंड करें, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करें, जबकि वो विलय विलायक की निश्चित मात्रा में होना चाहिए, माने विलायक की मात्रा आपने फिक्स कर लेनी है, 1 किलोग्राम विलायक है या 2 किलोग्राम विलायक है या 500 ग्राम विलायक है, तब उसमें विलय के कण बढ़ रहे हैं तो वो गुण अगर बदलेगा तो ऐसा गुण अणुसंख्या गुणधर्म कहलाएगा। और दूसरा, विलयन के ये गुण विलय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, माने वो विलायक वो विलय पदार्थ किस केमिकल नेचर का है इससे कोई मतलब नहीं, तथा साथ ही विलायक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, माने वो विलय पदार्थ विलायक में निश्चित मात्रा में घुला होना चाहिए, फिर उसके विलय के कणों की संख्या, माने विलय के अणुओं की संख्या घटेगी बढ़ेगी या विलय में उपस्थित आयनों की संख्या घटेगी बढ़ेगी तो गुणधर्म बदलेगा उस विलयन का। तो ऐसे गुणधर्म विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार के हैं, माने हमारे सिलेबस में 4 प्रकार के दिए हैं। कौन कौन से? बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासंगा। चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों के चारों को अणुसंख्या गुणधर्म की कैटेगरी में रखा है, तो हम देखते भी चलेंगे कि कैसे बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा कि बाष्प दाब क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन से क्या मतलब है,
ऐसी क्वथनांग होता है क्या, क्वथनांग व्यंजन वाले क्वथनांग में बढ़ोतरी कैसे होती है, हिमांग में कमी कैसे होती है, पराशरण दाब क्या होता है, तो ये किस प्रकार से अनुसंख्यक गुणधर्म है अर्थात इनमें विलेय के कणों की संख्या का क्या रोल है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इन चारों गुणधर्मों की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि जब मैं इन चारों को पढ़ाऊं तो एक ही लेक्चर में आ जाएंगे, तो इजिली आपको एक ही बार में ठीक से समझ आ पाएंगे। तो जब तक नया लेक्चर आता है तब तक आप इस छोटे लेक्चर को नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, किसी का कोई डाउट या क्वेरी है तो मालूम कर लीजिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में विलेय के चारों अनुसंख्यक गुणधर्मों को लेकर। तब तक इस चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध सभी जो लेक्चर्स हैं उनको ठीक से रिवाइज करते रहिए।